तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं सुपर ब्लोटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मतलब किसी भी शाओमी के फ़ोन में या फिर किसी भी यामा या फिर रेडमी के फ़ोन में, मतलब एक शाओमी के फ़ोन में आप कैसे ऑटो रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि कहीं बड़े आसान तरीके से मतलब ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश रेट चेंज होता जाएगा जैसे आपके यूज़र इंटरफेस के साथ। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो यार रिफ्रेश रेट मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आप मतलब क्विक्स मतलब यहाँ पे आप स्क्रॉल करो या फिर कुछ भी करो तो आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपको फील होगा। तो एक ऑटोमेटिकली आपको ऑटो रिफ्रेश रेट इनेबल करने किसी भी शाओमी के फ़ोन में, तो ये ऑप्शन आपको सेटिंग में देखने के बाद भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सेटिंग में जाओगे, देखो यार मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रिफ्रेश रेट, देख सकते हैं आप रिफ्रेश रेट के मतलब एक ऐसा ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। मतलब आप ऑटो रिफ्रेश रेट इनेबल नहीं कर सकते, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी शाओमी के फ़ोन में ऑटो रिफ्रेश रेट को कैसे इनेबल कर सकते हो। शाओमी ने मतलब ये सेटिंग आपको प्रोवाइड नहीं की है, मतलब यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट, तो यार देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी मतलब आपको यहाँ पे मतलब ऑटो रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप मतलब जिस वक्त मतलब आप कोई काम करो मोबाइल पर, जिस वक्त मतलब मोबाइल रिफ्रेश रेट का कोई भी काम नहीं, तो उस वक्त आपको रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो बस आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट को कैसे इनेबल करना। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वीडियो, देख सकते हैं आप। जैसे आप वीडियो को सर्च करोगे तो देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वीडियो टूल बॉक्स, यहाँ पे आपको क्लिक करने का देख सकते हैं मेरा वीडियो टूल बॉक्स ऑन है। आपको इस वीडियो टूल बॉक्स को ऑन करना है। ऑन करने के बाद गाइस देख सकते हैं आपको मतलब साइड में जो एक यहाँ पे आपको स्टिक देखने को मिल जाएगी, उस स्टिक को मतलब कहीं भी मतलब उस स्टिक अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मैनेज वीडियो ऐप्स पर भी क्लिक कर सकते हो। मतलब एक वीडियो टूल है गाइस, इस वीडियो टूल का मतलब जो भी वीडियो प्लेयर होता है यूट्यूब हो या फिर कोई भी मतलब आप किसी भी ऐप को ये वीडियो टूल इनेबल कर सकते हो। बस मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया इस वीडियो टूल को। तो बस इसको इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इसको यहाँ मतलब ऐसे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद कुछ इस विंडो आपको अपीयर होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो रिफ्रेश रेट, देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑटो रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट उस पर ऑन कर देना। देख सकते हैं गाइस ऑटोमेटिकली मतलब दिस फीचर एडजस्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट टू वीडियो फ्रेम रेट विच शोज बैटरी एंड टेक मच मोर स्मूथ। मतलब ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट आपका इनेबल हो जाएगा बड़े आसान तरीके से। मतलब कोई भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को चाहिए था कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट इनेबल करना जरूरी है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर किसी भी दोस्त के पास शाओमी का कोई डिवाइस है तो उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, और बहुत मतलब जिन लोगों को जानना था ना ये ट्रिक, बड़े आसान तरीके से मैंने इस ट्रिक को आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको ये ट्रिक मैंने बता दी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा, अगर ऐसे कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।